सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह एपिसोड नंबर 9 है। पिछले एपिसोड में हमने यह जानने की कोशिश की थी कि क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति के क्या मायने होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। इस एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि तथागत बुद्ध ने क्रांति की तो आखिर वो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण तथागत बुद्ध को क्रांति करने की आवश्यकता पड़ी। तत्कालीन समय में इस देश में समाज व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में लोगों की मानसिकता कैसी थी, लोग क्या सोचते थे, और उस समय आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा काम कर रही थी जिसके कारण तथागत बुद्ध को क्रांति करने की आवश्यकता पड़ी, इसे हम आज के इस एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तथागत बुद्ध के समय की तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने का हम प्रयास करते हैं। वैसे तो सामाजिक व्यवस्था एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, किंतु हम बुद्ध की क्रांति के संदर्भ में समाज व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तत्कालीन समाज व्यवस्था की जो पहली विशेषता थी वह थी वर्ण व्यवस्था। यह समाज 4 वर्णों में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे जो कि धर्म गुरुओं की भूमिका में होते थे। पुरोहित के व्यवसाय पर ब्राह्मणों को ही एकाधिकार प्राप्त था। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति पुरोहित नहीं बन सकता था, के कारण समाज में ब्राह्मणों को पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। इसके अलावा ब्राह्मण राजाओं के सलाहकार होते थे और वे अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुरूप राजाओं को राज्य चलाने की सलाह देते थे, या यूँ कह सकते हैं कि राजाओं को ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुकूल बनाते थे। अब ब्राह्मणों के बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय वर्ण आता है, जो ब्राह्मणों से एक स्टेप नीचे है। इस क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत राजा, सेनापति और सैनिक आते थे जिनका कार्य राज्य की रक्षा करना होता था। फिर क्षत्रिय के नीचे तीसरे नंबर पर वैश्य वर्ण आते थे, और जो वैश्य वर्ण के अंतर्गत व्यापारी लोग आते थे, जो व्यापार करते थे वो वैश्य वर्ण में आते थे। और सबसे नीचे चौथे नंबर का जो वर्ण था वो शूद्र वर्ण था, जिसके अंतर्गत किसान, बढ़ई, लोहार, सुनार तथा इसी प्रकार का अन्य कार्य करने वाले लोग और मजदूर आते थे, जिनकी संख्या समाज में बहुत ज़्यादा थी। इस प्रकार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। देखो, ब्राह्मणों ने ये सिद्धांत रखा, लेकिन उन्होंने समाज को केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बांटा था, बल्कि उन्होंने इस व्यवस्था का निर्माण किया था जो कि समाज में व्यवहारिक रूप से लागू थी। राजा से लेकर प्रजा तक इस वर्ण व्यवस्था का अनुसरण करती थी। अब देखिए, तत्कालीन समाज में जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था। अब ये समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला क्यों था? इसका जो पहला कारण है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस समय पुरोहित के व्यवसाय के ऊपर ब्राह्मणों का एक अधिकार था। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई दूसरा आदमी पुरोहित का काम नहीं कर सकता था और ना ही पुरोहित बन सकता था, जिसके कारण समाज में ब्राह्मणों को पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। ये एक कारण था जिसके कारण समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था। दूसरा कारण ये था कि ब्राह्मणों द्वारा अपनी कही गई बात को सच साबित करने के लिए विवादपूर्ण शब्दावली का उपयोग किया जाता था। वो विवादपूर्ण शब्दावली का उपयोग करते थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, जिसे हम देशी भाषा में कह सकते हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो लोग किस तरीके से बात करते थे? जब मान लीजिए ब्राह्मण किसी से बात करता था तो वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति से ऐसे डायलॉग करता था जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव आ जाए। जैसे वो कहता था कि तुम इस सिद्धांत को नहीं जानते, मैं ही जानता हूँ,
दूसरा वो कहते थे, तुम इस बात को कैसे जान पाओगे, तुम्हारे पास तो अक्ल ही नहीं है। और कुछ डायलॉग ऐसे कहते थे कि तुम गलत बातों में फंस गए हो, मैं जो कह रहा हूँ वही तुम मानो, वही सही है, मैं सच बात बोल रहा हूँ, तुम नहीं। दूसरा ब्राह्मण जो है वो कहते थे कि तुम्हारी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो और मैं ही सही हूँ। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मणों के पास अपनी कही बातों को सही साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं होते थे, ना ही कोई सबूत होते थे, लेकिन फिर भी वो सामने वाले व्यक्ति पर मानसिक दबाव डालने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते थे ताकि वे अपने आप को सही साबित कर सकें। वे लोग अपनी अधूरी बातों को ऊंची आवाज में बोलकर दबाव बनाने वाले भावों का उपयोग करके केवल स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करते थे। वो अपनी अधूरी बातों के आधार पर ही बीच में कहने लगते थे कि तुम गलत हो, मैं ही सही हूँ, मैं साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो। इस तरह ब्राह्मण अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति का प्रयोग करके स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते थे और दूसरों को झूठा। ये कुछ कारण थे जिसके कारण ब्राह्मणों का समाज में बोलबाला था। तत्कालीन समाज व्यवस्था की जो तीसरी विशेषता थी, वो तीसरी विशेषता ये थी कि उस समय समाज में जाति के सिद्धांत का जन्म हो चुका था, लेकिन जाति का कॉन्सेप्ट अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। जाति व्यवस्था ये आज के समय की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन जाति के सिद्धांतों को प्रस्थापित करने का काम ब्राह्मणों द्वारा चलाया जा रहा था। ऊंच नीच की संकल्पना को लोगों के मन मस्तिष्क में डालने का काम चल रहा था। तो इस तरह तत्कालीन समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इनमें से मैंने केवल इन तीन प्रमुख बातों को लिया। पहला कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित थी, दूसरा ब्राह्मणों का बोलबाला था, ब्राह्मणों की ही बात हर जगह सुनी जाती थी, तीसरा उस समय जाति व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समाज में ला दिया था, लेकिन जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। किंतु उस समय एक ऐसा वर्ग भी था जो गण व्यवस्था का अनुसरण करता था, वो वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, वो ब्राह्मणों को कोई महत्व नहीं देता था। तो इसमें कुछ प्रमुख गण है, जैसे कपिल वस्तु का शाक्य गण, राम ग्राम का कोलीय गण, कुशीनारा का मल्ल गण, पिप्पली वन के मौर्य गण, वैशाली का लिच्छवी गण, मिथिला के विदेही गण। तो ऐसे बहुत से गण थे, लेकिन इन गणों द्वारा संगठित रूप से वर्ण व्यवस्था के विरोध में कोई बड़ा प्रयास ना किए जाने के कारण और दूसरी ओर ब्राह्मणों द्वारा प्रस्थापित वर्ण व्यवस्था को संगठित रूप से निरंतर खाद पानी दिए जाने के कारण आम जनता और राजा वर्ण व्यवस्था की विचारधारा के प्रभाव में थे। ये हो गई तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था। अब हम तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। बुद्ध धम्म के साहित्य अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख आता है। उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे और कैसे कार्य करते थे, इसे जानने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इन महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ। अब मान लीजिए एक परिवार है, समय के साथ परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने अपने अलग अलग परिवार बनाए। तब मान लीजिए 50 परिवारों को मिलाकर एक गांव बना। अब एक गांव में रहने वाले सभी परिवार एक गोत्र के कहलाते थे। जब जनसंख्या और बढ़ती गई तो इन एक ही गोत्र के लोगों ने अन्य स्थानों पर जाकर गांव बसाए। जब समय के साथ इन एक ही गोत्र के लोगों के गाँव की संख्या बढ़ती गई, 20, 25, 50 हुई, तब इन गाँवों को संचालित करने वाली संस्था का निर्माण हुआ जिसे कुल कहा जाता था।
और इस कुल के प्रमुख को कुल राजा या कुलपति कहा जाता था। इसी प्रकार जब अलग अलग कुलों की संख्या बढ़ी तो इन अलग अलग कुलों को संचालित करने के लिए एक नई संस्था का निर्माण हुआ जिसे गण कहा जाता था या जनपद कहा जाता था, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक गण के अंतर्गत कई कुल आते थे। जैसे लिच्छवी गण का उदाहरण हमारे पास है जिसके अंतर्गत 7,707 कुल आते थे, और ये जो गण होता था इस गण के प्रमुख को गणपति कहा जाता था। इसी प्रकार इन विभिन्न गणों को मिलाकर या जनपद को मिलाकर एक महाजनपद संस्था का निर्माण होता है, या यूँ कहे कि एक महाजनपद के अंतर्गत कई गण आते हैं। उदाहरण के लिए वज्जी यह एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी, इसमें 8 गण शामिल थे, और मल्ल महाजनपद जो 2 गणों से मिलकर बना हुआ था। इसी प्रकार बुद्ध के समय तक कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत ने शाक्य गण को अपने कौशल महाजनपद में शामिल कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई परिवारों से मिलकर गांव बने, कई गांव से मिलकर कुल बने, कई कुलों से मिलकर गण या जनपद बने, और कई गणों से या जनपदों से मिलकर महाजनपद बने। तो इसे हम अगर देखें तो आज की प्रशासनिक संरचना से भी हम इसे समझ सकते हैं, इसे जान सकते हैं। आज के समय में ग्राम पंचायत से मिलकर तहसील बनती है, तहसीलों से मिलकर जिला बनता है, और जिलों से मिलकर एक राज्य बनता है। तो यह ग्राम पंचायत जो गोत्र या गांव कहा जाता था तत्कालीन समय में, और तहसील उसे कुल कहा जाता था, ऐसा हम मान सकते हैं। और जो जनपद होते थे या गण होते थे उन्हें हम एक जिला मान सकते हैं, और जो महाजनपद होते थे उन्हें हम राज्य मान सकते हैं। इस तरह भारत देश यह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब ये महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियाँ क्या थी, उनका एरिया क्या था, तो इसमें सबसे जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर कंबोज महाजनपद आता है जो कि अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इस कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। दूसरा गांधार महाजनपद है जो कि पेशावर, आज के समय में पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का एरिया आता है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा महाजनपद है मत्स्य महाजनपद जो आपके राजस्थान में अलवर और जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वह मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी विराटनगर या बैराट होती थी। चौथा महाजनपद है शूरसेन, यह ब्रजमंडल या जो ब्रज भाषा बोलते हैं तो उस ब्रज भाषा बोलने वाले लोगों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में शूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी मथुरा थी। पांचवा महाजनपद अवंती है जो मालवा क्षेत्र है, उस मालवा क्षेत्र में अवंती महाजनपद था, इसकी 2 राजधानियाँ थी। ये उत्तर में उज्जैनी राजधानी थी और दक्षिण में महिष्मती राजधानी थी। इसके बाद छठवें नंबर पर महाजनपद है कुरु, ये दिल्ली और मेरठ के आसपास के जो एरिया था वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल ये 7वें नंबर पर महाजनपद है, ये बरेली रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में है, उसका जो क्षेत्र है उधर ये पांचाल महाजनपद था, और इसकी भी 2 राजधानियाँ थी, उत्तर की ओर अहिच्छत्र और दक्षिण की ओर कामपिल्ल। 8वां जो महाजनपद था वो था चेदी, यह बुंदेलखंड का जो एरिया है पूरा वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, इसकी राजधानी सोथीवती थी। 9वें नंबर का महाजनपद है वत्स, 9वें नंबर का महाजनपद वत्स है जो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है
वह क्षेत्र वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। दसवें नंबर का महाजनपद है काशी, ये बनारस और वाराणसी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। ग्यारहवें नंबर का जो महाजनपद है ये कौशल महाजनपद है, इसके अंतर्गत अवध, फैजाबाद और उधर के जो एरिया है वो सारे आते थे, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फिर मल्ल महाजनपद आता है, ये मल्ल महाजनपद ये जैसा मैंने बताया था कि दो गणों से मिलकर बना हुआ था, ये थे कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, तो इसकी दो राजधानियाँ थी कुशीनारा और पावा। फिर वज्जी महाजनपद आता है, ये वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और इसका जो क्षेत्र था वो वैशाली मुजफ्फरपुर इधर का आसपास का क्षेत्र था। अब सबसे मजबूत जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगृह थी और ये पटना, गया, नालंदा इसका पूरा जो एरिया था, इस पूरी एरिए में मगध महाजनपद का राज्य चलता था। इसके बाद है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, भागलपुर और उसके आसपास का एरिया इस अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। आखिरी जो सोलवा महाजनपद है अश्मक, ये दक्षिण भारत का एक अकेला ऐसा महाजनपद था जो बहुत लंबे समय तक रहा। इसकी राजधानी पोटनी थी और ये गोदावरी नदी का जो एरिया है और उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो अश्मक महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो इन महाजनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता था। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान की बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान से होते हुए भारत तक इतने बड़े भूभाग पर केवल इन 16 महाजनपदों का नियंत्रण था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महाजनपद कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर राज करते थे। आज के समय में भारत में 30 राज्य है, तब भी हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े राज्य भारत में है, तो उस समय तो इसके आधे ही थे, 16 थे और 16 में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल था। तो इन एक एक महाजनपद के अंतर्गत कितना बड़ा भौगोलिक एरिया आता होगा जिस पर ये राज करते होंगे ये हम समझ सकते हैं। तो इस तरह तथागत बुद्ध के समय में ये 16 महाजनपद थे और इस 16 महाजनपद राजनीतिक रूप से कार्य करते थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन महाजनपदों की स्थिति क्या थी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद राजनीतिक व्यवस्था का अनुसरण करते थे, राजतांत्रिक व्यवस्था का अनुसरण करते थे। इसका मतलब यह है कि ये 14 महाजनपद वंशानुगत राजतंत्र को फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस सिद्धांत को मानते थे। अब राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनेगा यह व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की देन है और वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 14 महाजनपद ब्राह्मणी विचारधारा के प्रभाव में कार्य कर रहे थे, जबकि 2 महाजनपद ऐसे थे जो ब्राह्मणी प्रभाव से मुक्त थे और मूल निवासी नागवंशियों द्वारा प्रस्तापित लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था का पालन करते। वो 2 महाजनपद कौन से थे? एक था वज्जी महाजनपद जो 8 गणों से मिलकर बना हुआ था, दूसरा था मल्ल महाजनपद जो 2 गणों से मिलकर बना हुआ था, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। ये 2 महाजनपद ऐसे थे जिन्होंने ना ही वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था और ना ही राजतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया था, बल्कि इन महाजनपदों के राजा वंशानुगत ना होकर चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते थे। जनता के लिए किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए पहले कुल प्रमुख या गण प्रमुख के उपस्थिति में प्रस्ताव रखा जाता था
और बहुमत से पारित होने पर ही उस कानून को जनता के लिए लागू किया जाता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे मूल निवासी नागवंशी पुरखों ने दुनिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध के समय की राजतांत्रिक व्यवस्था में 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद ब्राह्मणी व्यवस्था के प्रभाव में थे या ब्राह्मणों के प्रभाव में थे। तथागत बुद्ध का जन्म जिस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ वह दो प्रमुख महाजनपद थे। पहला कौशल महाजनपद जिसके राजा प्रसेनजीत थे और दूसरा मगध महाजनपद जिसके राजा बिंबिसार थे, और दोनों ब्राह्मणी विचारधारा और संस्कृति का अनुसरण करने वाले राजा थे, या यूं कहे कि ब्राह्मणों के प्रभाव में थे। विशेषकर कौशल नरेश प्रसेनजीत, इन्होंने तो ब्राह्मणों को नगर के नगर दान में दे दिए थे। इन्होंने अपने राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन किया था। यह उदाहरण इस बात को साबित करता है कि महाजनपदों के राजा ब्राह्मणों के प्रभाव में कार्य कर रहे थे। ब्राह्मण इन महाजनपदों के राजाओं के धर्मगुरु और सलाहकार होते थे, और वे ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने वाली सलाह राजा को दिया करते थे। बुद्ध के समय की यह राजनीतिक व्यवस्था थी। अब बुद्ध के समय की तात्कालीन सांस्कृतिक व्यवस्था को भी हम देख लेते हैं। आखिर उस समय संस्कृति कैसी थी, सांस्कृतिक दृष्टि से हमें क्या दिखाई देता है कि राजाओं से लेकर आम जनता के घरों में धार्मिक संस्कार करने का अधिकार या कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को प्राप्त था। राजा से लेकर राज्य के धनी संपन्न लोग ब्राह्मणों को जमीन जायदाद, सोना चांदी, अनाज, पशु, ये सब बड़े पैमाने पर दान दिया करते थे। किंतु इन सब में भी सबसे घिनौनी संस्कृति यज्ञ संस्कृति थी। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने की सलाह दी जाती थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर बलि चढ़ाई जाती थी, खुले में संभोग भी कराया जाता था। ब्राह्मणों द्वारा बड़े पैमाने पर संपत्ति का डाका डाला जाता था, जिसे वे दान कहते थे। तत्कालीन समय में ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार के कुकृत्य किए जाते थे, जिसे संस्कारों का नाम दिया गया, और इसे ही ब्राह्मण संस्कृति कहते थे। इसके अलावा ब्राह्मण बहुत से ऐसे बेहुदा कार्यकलाप करते थे, और उन कार्यकलापों से वो अपनी जीविका चलाते थे। उन्होंने बेहुदा कार्यकलापों को अपनी जीविका का साधन बनाया हुआ था। इसके कारण क्या हुआ कि समाज में बुराइयां फैली और समाज जो है वो अंधकार और गर्त में डूबता जा रहा था। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे हस्तरेखा देखना। अब बच्चों के हाथों पैरों आदि के निशान से उसकी लंबी आयु समृद्धि आदि की भविष्यवाणी करना, शकुन अपशकुन को बताकर भविष्यवाणी करना, सपने की व्याख्या करना और भविष्यवाणी करना, अग्नि को बलि चढ़ाना, देवताओं के लिए भेंट स्वरूप दाहिने अंगूठे से खून निकालना, उंगली की गांठों को देखकर मंत्र गुनगुनाना और फिर बताना कि अमुक अमुक आदमी जन्म से भाग्यशाली है, ये बताना कि जिस स्थान पर मकान बना है वो शुभ है या अशुभ है, घोंसले के बारे में, रीति रिवाज के बारे में बताना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, भूत भगाना, यह भविष्यवाणी करना कि आदमी कितने दिन तक जीवित रहेगा, मुसीबत से बचने के लिए तंत्र मंत्र करना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण, ये सारों को सारे का गलत गलत विश्लेषण करके भविष्यवाणी करना, उलझुल बातें बताना, विवाह के लिए शुभ दिन निश्चित करना, मनुष्य के प्रत्येक कार्य को जैसे मान लो घर बनाना है या किसी से उधार लेना है, पैसा खर्च करना है, हर एक बात को उन्होंने शुभ अशुभ से जोड़ लिया था। यानी कोई भी तुम काम करने जाते हो तो तुम्हें पहले ब्राह्मणों से पूछना पड़ेगा कि भाई ये शुभ समय कौन सा रहेगा काम करने के लिए, अशुभ कौन सा रहेगा। ऐसे सभी प्रकार के कार्य, ये सब प्रकार के जो काम होते थे ये ब्राह्मणों द्वारा किए जाते थे, और इसके बदले में फिर ब्राह्मण उन लोगों से दान लिया करते थे, और इससे ब्राह्मणों की आजीविका चलती थी।
तो इन सभी क्रियाकलापों को ही अंधविश्वास कहा जाता है। इस अंधविश्वास का ब्राह्मणों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाता था। लोगों के मन मस्तिष्क में भय पैदा किया जाता था, शुभ और अशुभ का, जिसकी बदौलत ब्राह्मण अपनी आजीविका चलाते थे, या यूं कहे कि अपना पेट पालते थे। तो इस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था और समाज में बुराइयों के कारण आम जनता परेशान थी, दुखी थी, समाज में त्राही त्राही मची हुई थी। तो इस प्रकार साथियों हम लोग देखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में सामाजिक दृष्टि से समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था और जाति के कॉन्सेप्ट का जन्म हो गया था। दूसरा, तथागत बुद्ध के समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, तो उस राजनीतिक व्यवस्था में गण व्यवस्था थी या जनपद व्यवस्था थी, महाजनपद थे। महाजनपद ये शक्तिशाली होते थे जिसके अंतर्गत कई गण, कई कुल और लाखों गांव आते थे। ये भारत में जो 16 महाजनपद थे, इसमें से 14 महाजनपद ब्राह्मणों के प्रभाव में कार्य कर रहे थे। सांस्कृतिक रूप से देखें तो यज्ञ संस्कृति थी जो घिनौनी संस्कृति थी, और समाज में ये सारी बुराइयाँ, अंधविश्वास ये फैला हुआ था। आम जनता परेशान रहने लगी, आम जनता दुखी थी और समाज में त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थिति में तथागत बुद्ध का जन्म होता है। लेकिन अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि ये जो तथागत बुद्ध के समय में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बुराइयाँ पैदा हुई या ब्राह्मणों का प्रभाव इस व्यवस्था पर था, ये एकाएक तो निर्माण नहीं हुई होगी, एकदम से तो निर्माण नहीं हुई होगी, तो इसमें समय लगा होगा और इसके लिए बहुत लंबा इतिहास रहा होगा। तो इस इतिहास के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसके पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।